हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी रेन लिली खिली हुई है। मॉर्निंग का टाइम है और आज मेरी मॉर्निंग बहुत ही गंदी है, मतलब मैं कहूँगी बहुत ही ख़राब मॉर्निंग है, क्योंकि बंदरों ने आके मेरे गार्डन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है। आप देख सकते हैं ये सारे गुलाचीन के प्लांट टूटे पड़े हैं इस तरह से। देखिए, बहुत अच्छा मेरा गुलाचीन था और पूरा इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। कितना घना प्लांट था, बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग पे था, और आप इसकी देखिए पूरी ब्रांचें बर्बाद कर दी हैं। मैंने तो उसको बांधा है और ये सब तोड़ दी हैं इसकी पूरी ब्रांचें। ये देखिए पूरा पड़ा हुआ है और ये देखिए, देख सकते हैं। तो अच्छी खासी देखिए फ्लावरिंग चल रही थी और इन लोगों ने आके आज बदमाशी कर दी है। हम लोग थे नहीं, और मॉर्निंग में जब मैं आई तो मैंने ये देखा, तो पूरा हाल बेहाल था मेरे गार्डन का। जब भी आ जाते हैं तो पूरा गार्डन मेरा बर्बाद कर देते हैं। और उधर भी आपको दिखाऊं, बड़ा वाला चंपा जिसकी काफ़ी अच्छी सी हाइट थी, तो वो मेरी पूरी गार्डन की शोभा बड़ा बर्बाद करके रख दी है इन लोगों ने। कितने अच्छे से प्लांट थे, आप ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए, इसमें कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही थी, और इसकी कितनी बड़ी डंगाल इन लोगों ने तोड़ दी है पूरी। इतने प्यारे इसमें रेड रंग के फ्लावर निकाल रहे थे, और पूरा मतलब देखिए ये दो ब्रांचें बनी थी इस प्लांट में, ये देखिए आप देख सकते हैं, और पूरा बड़ा सा हाइट दिए था, और इसकी दोनों ब्रांचें इन्हें पता नहीं क्या सनक गए और सब तोड़ दी, तो पूरा डैमेज किया। इसकी अच्छी खासी हाइट, इसमें फ्लावर भी था, तो बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे अपने गार्डन में इस तरह से हाल देख के। बिल्कुल बेहाल कर दिया, पूरा गार्डन की शोभा बर्बाद कर दी है। और इसके पीछे पड़े रहते हैं रेड आलमंडा, इसकी भी बहुत डंगालें इनने तोड़ी हैं, तो खिलने नहीं देते हैं प्लांट को। जिस दिन ये आ जाते हैं देखिए टूटी पड़ी इधर भी रखी हुई है, तो पूरा गार्डन मेरा तहस नहस करके रखा है। और ट्यूब रोज़ यानी रजनीगंधा में भी फ्लावरिंग चल रही थी, तो उसको भी इन्होंने डैमेज किया है, तो आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं रजनीगंधा की भी एक ट्विंग निकली थी, फ्लावर बड निकली थी पूरी, लेकिन वो उन्हें खिलने ही नहीं दी और इसको भी तोड़ के फेंक दिया है। फिलहाल अभी एक पॉट में बाकी है, ये आप देख सकते हैं, और इस पॉट की पूरी तोड़ दी है इनने। तो ये सब यही करते रहते हैं, खिलने नहीं देते हैं प्लांट को। बाकी आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं फ्लावरिंग बहुत अच्छी सी लग रही है, पर सुबह सुबह आके ये मेरा जब देखा मैंने, तो मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। तो आवाज़ में भी आपको लग रहा होगा कि मैं इतने अच्छे से नहीं बात कर पा रही, क्योंकि एकदम से ख़राब लगता है कि आपका गार्डन इतने संभाल के आप रखते हो, इतने बच्चों की तरह इन्हें पालते हो, फिर ये जब बाकी बंदर बदमाशी कर जाते हैं। और ये बंदर वो वाले बंदर हैं जो ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, टीनेजर समझ लीजिए, ये बीच वाले जो बंदर होते हैं ये बहुत ही बदमाश होते हैं। इनको ये गार्डन में आने का मतलब समझ लीजिए, गार्डन को उजाड़ ही देते हैं। और अभी काफ़ी दिन से नहीं आ रहे थे, तो मेरे गार्डन में काफ़ी अच्छा था कि मुझे टेंशन नहीं था, और जैसा कि आज भी नहीं आएंगे, तो कुछ काम से गए हुए थे, और आज के आते ही जब देखा मॉर्निंग में पूरा गार्डन बर्बाद करके रखा है इन लोगों ने, तो दिमाग ख़राब हो गया। आप देखिए कितना अच्छा ये प्लान था, और इसमें भी फ्लावरिंग चल रही थी, और इसकी देखिए तीन तीन ब्रांचें थी और इन लोगों ने तोड़ दिया है, उसको भी मैंने बांधा है अभी। और ये देखिए इसकी ये ब्रांचें ने तोड़ दी है, इसमें देखिए फ्लावर आ रहे थे, तो ये कटिंग मैं तैयार कर लूँगी, लेकिन कितने प्लांट तैयार कर लूँगी, पूरी शेप बर्बाद कर देते हैं ये लोग। तो पूरा गार्डन का जो लुक आता था मेरा वो बहुत ही अच्छा था, और इनके वजह से पूरा बर्बाद करके रखा। ये इतना सुंदर लगता था, एकदम घना सा था बिल्कुल, और इसकी फ्लावरिंग बीच में निकल रही थी, बिल्कुल डिस्टर्ब करके रख दिया है। अब देखिए फ्लावरिंग टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो लेकिन बहुत ही खूबसूरत से इसके फ्लावर खिले हुए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसके फ्लावर साइज़ बढ़ जाते हैं। तो बस यही था आज का मेरा वीडियो, कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रखा है मेरा गार्डन, तो बहुत ख़राब लगता है। और इधर भी देखिए इसकी भी कहते कि एक डंगाल तोड़ दी, ये भी गिरा पड़ा था गमला, तो ये आप देख सकते हैं नागचंपा की भी डंगाल टूटी पड़ी हुई है। तो ये सब इन लोगों ने तोड़ के फेंका है, इस तरह से पूरे गार्डन को बिल्कुल डैमेज किया हुआ है ऊपर। लेकिन क्या करें, जानवर हैं, इनका भी अपना एक होता है, उछल फान करते हैं, इनको इसी में मज़ा आता है, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ बहुत बंदर आते हैं, तो बंदर बहुत ही गार्डन को डैमेज करते हैं।
और आप देखिए कितनी खूबसूरत सी रेन लिली मेरी खिली हुई है। इसका भी पॉट उल्टा पड़ा हुआ था, इसके पीछे भी पड़े हुए थे, पर इसे नहीं तोड़ा है। फिलहाल मेरा ये वाला चंपा बच गया है, इसको बिल्कुल डैमेज नहीं किया इनने। मुझे तो इसको देख के लगा कि चलो ये तो फज कम बच गया, बाकी सारे चंपा के पीछे पड़ गए हाथ धो के। और इधर आलमंडा की भी आप देख सकते हैं, ये देखिए डंगाल तोड़ दी है और इसके पीछे तो पड़े रहते हैं, इसके फूल खिलने ही नहीं देते हैं। जैसे ही बड़ी बड़ी सी कलियाँ आती हैं और कलियों को भी तोड़ देते हैं देखिए, तो ये इस तरह से खूब करते हैं। उस बार तो पूरे पूरे फूल ही निकाल के फेंक दिए थे, तो पता नहीं इनको क्या इसमें अच्छा लगता है। और ये देखिए एक डंगाल ये टूटी हुई है इसकी, और एक ये देखिए टूटी हुई है, तो अच्छी खासी देखिए इनमें फ्लावर बड थी और इन सबको इन लोगों ने काफ़ी डैमेज करके रखा है। तो तब भी ये थोड़ी सी हाइट है इसकी मेंटेन करिए, पर मेरी चंपा की पूरी ब्यूटी चली गई है। जो रेड चंपा अच्छा लगता था, अच्छी सी हाइट थी और फ्लावर भी साथ में था, तो बहुत ख़राब लगता है जब फ्लावर होते हैं प्लांट में उसको ये डैमेज करते हैं, तो बहुत ही ख़राब लगता है कि खिल रहे थे और उसने इनको तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से तो फ्लावर आते हैं और जब ये आते हैं और ये इनको डैमेज करके चले जाते हैं, तो बहुत ही गुस्सा चढ़ती है इनके ऊपर। पर बंदर भी तो बंदर हैं, इनका काम ही उजाड़ने का काम है। अगर आप देख सकते हैं ये वाइट चंपा की ब्रांच टूटी हुई है, देखिए कितने अच्छे से इसमें फ्लावर खिल रहे थे, कितने घने फ्लावर का ये था पूरा, उसको देखिए तोड़ दिया है। मुझे इस प्लांट को देख के बहुत ही बुरा लग रहा है कि अच्छी खासी इसकी हाइट थी और ये अभी फ्लावरिंग करता है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसकी फ्लावरिंग दिसंबर तक चलती रहती और फिर जब सीज़न आता तो ये बहुत जल्दी से बड दे देता है, लेकिन इसको पूरा इन लोगों ने तोड़ के रख दिया है, एक भी डंगाल नहीं छोड़ी है। तो अभी साइज़ में छोटा हो गया और अब फिर से ग्रो करेगा तो टाइम लगेगा। और इधर के प्लांट में भी इन लोगों ने येलो वाले को भी डैमेज किया है, इसकी भी एक ट्विंग तोड़ी थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इसकी एक और तोड़ के चले गए हैं। तो बस पूरा गार्डन को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, तो बिल्कुल मूड ख़राब हो गया। आते ही सुबह मैं आती हूँ अपने गार्डन में, देखती हूँ, खुश होती हूँ, पर आज तो पूरा मूड ख़राब हो गया। मेरी पूरी मॉर्निंग समझ लीजिए एकदम बेकार से चली गई है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये ब्रसलेन के फ्लावर खिले हैं, तो इधर का एरिया इनने नहीं छू, क्योंकि ये लोग बोगनविलिया नहीं छूते हैं। और इधर आप वाइट रेन लिली भी देख सकते हैं, तो इसकी भी ब्लूमिंग हो रही है, तो बोगनविलिया काफ़ी अच्छे से खिल रही है। तो मूड ऑफ हो गया मेरा इस समय, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कहा चलिए आज आपसे शेयर करूँ। पूरा गार्डन मेरा इनने उजाड़ के रखा है, काम करना है अब इसके अंदर मुझे। इसी फ्लावरिंग का जो रेन लिली बहुत अच्छे से खिल रही है, पहले भी खिल चुकी है, देखिए आप देख सकते हैं येलो में काफ़ी सीड बन चुके हैं, मोटे मोटे दिख रहे होंगे, काफ़ी दिख रहे होंगे आपको। और फिर से येलो में बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग आई है, पिंक में भी काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग दी हुई है। तो एक लास्ट का व्यू, थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।